कथित शराब घोटाले में शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुई। शनिवार को ही ईडी ने घोर पड़े चीनी मिल के पैसों में हेराफेरी के शक में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनसीपी विधायक हसन मुशरफ के ठिकानों पर छापा मारा और शनिवार को ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। पिछले 24 घंटे में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने अलग अलग मामलों में यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर कार्रवाई की है। इसमें 6 विपक्षी दलों के कई नेताओं पर शिकंजा कसा गया। इससे राजनीतिक पारा चढ़ गया है। अब जहां पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा बोलिए ना, 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हो गए, 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर, कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज कर। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता शांतनु बनर्जी शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए। शुक्रवार को ही ईडी ने महाराष्ट्र के साई रिसॉर्ट मामले में शिवसेना उद्धव गुट के नेता रामदास कदम के छोटे भाई सदानंद कदम को गिरफ्तार कर लिया और शुक्रवार को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लिया। आकाश से लेकर पाताल तक हिंदुस्तान का सब कुछ अडानी के नाम नीलाम करने वाले प्रधानमंत्री को महिलाओं की आरक्षण की याद नहीं आ रही है। इनके जिम्मे एक काम है, विपक्ष के लोगों के पीछे सीबीआई छोड़ो, ईडी छोड़ो। अरे हम तुम्हारी सीबीआई और ईडी से डरने वाले नहीं है, तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को 16 घंटे तक लालू की बेटी रागिनी के गाजियाबाद वाले घर पर छापेमारी की। दिल्ली में तेजस्वी के फ्रेंड्स कॉलोनी के घर पर छापा पड़ा। हाल ही में सीबीआई ने इस मामले में लालू और राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। आप बाहर जाइए, अपने किसी भी पक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा, बाहर जाइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे, आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों की इस कार्रवाई को बदले की राजनीति बता रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि कुछ किया ही नहीं तो कानून से डर कैसा। मेरा मानना है कानून को अपना काम करने दीजिए, ये बेचारा पॉलिटिक्स, वेंडेटा पॉलिटिक्स, कभी लालू यादव जी कहते हैं मेरे को पहचान किया जा रहा है, कभी कोई बोलता है, सवाल ये है कि आप कानून से डर क्यों रहे हैं, कानून के सामने हाजिर होकर सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे। जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्ष का हमलावर होना नई बात नहीं है, लेकिन जानकार कहते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनावों को देखते हुए विपक्षी दल इसे महागठबंधन को आकार देने के मौके के तौर पर भी देख रहे हैं। प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।